हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल LKI लर्न में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे होली पर निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होली हर साल फाल्गुन मार्च के महीने में विभिन्न प्रकार के रंगों के साथ मनाई जाती है। होली का त्योहार पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। होली का त्योहार लोग आपस में गले लगकर और एक दूसरे को रंग लगाकर मनाते हैं। इस दौरान धार्मिक और फाल्गुन गीत भी गाए जाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका का दहन किया जाता है। होली का त्योहार मनाने के पीछे एक प्राचीन इतिहास है। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था, जो भगवान विष्णु का विरोध करता था। उसकी एक दुष्ट बहन थी जिसका नाम होलिका था। कश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इसी कारण कश्यप ने अपनी बहन होलिका से पुत्र प्रहलाद को जान से मारने के लिए लेकर आग में बैठने के लिए कहा, क्योंकि होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके बाद होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ जाती है, लेकिन प्रहलाद आग में सुरक्षित बच रहे जाते हैं, जबकि होलिका उसी चिता में चलकर भस्म हो गई। धन्यवाद। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी YouTube चैनल की टीम की तरफ से हैप्पी होली। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।